I, Neeraj Roy Chaudhary, welcome you all. Audience from more than 200 cities, 7 countries, one mission, one blood, one world. इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड एक ऐसी संस्था जो कि छुपे हुए टैलेंट बास को एक मंच देता है जिससे वो अपने टैलेंट को और उभारने में सक्षम हो पाए। और आज हम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के उसी मुख्यालय में मौजूद हैं और हमारे साथ अभी वो सारे रिकॉर्ड होल्डर्स मौजूद हैं जो अपनी लाइफ में अपने टैलेंट की वजह से इस मंच तक पहुँचे हैं और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने उन्हें इस अवार्ड से सराहा है। आपको जानकारी देते हैं कि इस रिकॉर्ड को होल्ड करने के बाद उनके लाइफ में, उनके पूरे जीवन में क्या क्या उन्होंने एक्सपीरियंस किया, क्या क्या बदलाव आए, उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम आपको उन्हीं के मुंह से जानकारी देते हैं। ओके, नाउ आई विल कॉल सानिध्या टू प्लीज कम अप ऑन द स्टेज फॉर फ्यू वर्ड्स। ओके सानिध्या, ऑल योर्स। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सानिध्या शर्मा एंड आई स्टडी इन क्लास 10। तो जो मेरा रिकॉर्ड बना है वो है 25 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो जर्नी शुरू होती है जब मैं सेकंड क्लास में था। बचपन से ही म्यूज़िक में इंटरेस्ट रहा है और चाहता हूँ आगे भी म्यूज़िक में ही जाऊँ। तो सबसे पहले जो मेरा फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट था वो था तबला, जो मैंने अपने गुरु पंडित मनोज श्रीवास्तव जी से सीखा था और अभी भी सीखता जा रहा हूँ मैं। और उसी के कारण आज मैं इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर पाता हूँ, जिसके कारण इतना कॉन्फिडेंस आया कि ताकि मैं स्टेज पे आऊँ। और मैं थैंक यू भी कहना चाहता हूँ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड को, जिनने मेरे को आज इधर मंच पे बुलाया है। मेरे साथ अभी IBR रिकॉर्ड होल्डर्स में से एक और रिकॉर्ड होल्डर मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, सानिध्या शर्मा। इनके रिकॉर्ड के बारे में जानते हैं। सानिध्या, अपने बारे में कुछ बताइए और अपने रिकॉर्ड के बारे में कुछ जानकारी। मैं अभी 15 साल का हूँ और मैंने अभी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में 25 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इन 30 मिनट्स मैंने बजाया है। वैसे मैं तबला क्लासिकल प्लेयर हूँ, मेरे को कई साल हो गए तबला सीखे हुए। उसी की वजह से ही आज मैं इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर पा रहा हूँ, चाहे कोई भी हो, क्लासिकल हो, वेस्टर्न हो, मैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर सकता हूँ। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं कि 10th क्लास में अभी आप हैं, और स्कूल लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं जब आपने रिकॉर्ड होल्ड किया था? स्कूल में मतलब पहले से ही, अब तो स्कूल में सभी जानते हैं, प्रिंसिपल हो या एडमिनिस्ट्रेटर मैम हो, सभी टीचर्स जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं कि अब तो म्यूजिशियन बोला जाता है। कि मतलब पहले से मैं करता आ रहा हूँ म्यूज़िक, तो तब भी जानते हैं, और जब रिकॉर्ड बना मेरा उसके बाद तो और भी नाम हो गए। अच्छा, पेरेंट्स साथ देते हैं इस चीज़ में, क्योंकि ज़्यादातर तो पेरेंट्स लेंगे। पेरेंट्स तो क्यों नहीं साथ देते, अगर 25 इंस्ट्रूमेंट्स का बनाया तो उसके लिए 25 इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए। तो मम्मी ने बहुत साथ दिया है, मतलब इतने इंस्ट्रूमेंट्स दिलवाए हैं, इंस्ट्रूमेंट्स इतने मतलब कॉस्टली होते हैं तब भी दिलवा दिए हैं बहुत। वैसे मम्मी और पापा दोनों का सपोर्ट। बिल्कुल। अच्छा, आपका, आपके फ्रेंड्स को और आपके जैसे जो टैलेंट्स हैं इस पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में, उनके लिए क्या मैसेज होगा, उन्हें कैसे आगे बढ़ना चाहिए? अगर किसी भी, अगर आपको चीज़ में जाना है उसके लिए आपको लगन और आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जैसे हम तबले में 1-2 घंटा रियाज करते हैं, अभी 10th है इसलिए कम करते हैं, लेकिन वैसे अगर हमें कुछ भी प्रैक्टिस करनी है तो 3-4 घंटा रेगुलर हमें दिन में करनी चाहिए, ताकि आगे जाके हम कुछ उस चीज़ को अचीव करें। विजेता जी From Gurgaon, she has done longest to hold Padma Baksha Asana yoga pose. Very good. Yoga. पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे से भुजदंड अब है, रग रग में हो लहर क्रांति की, तभी जवानी पाती जय।
मुझे अक्सर कहते थे कि औरतों को तो मयूर आसन नहीं करना चाहिए, हैंड स्टैंडिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी गर्दन बड़ी सॉफ्ट होती है, इंजरी होने का खतरा होता है, उनके हाथ बड़े सॉफ्ट होते हैं, वो हैंड स्टैंडिंग नहीं कर सकती। मेरे फादर भी, मुझे गॉड गिफ्टेड है कि वो भी एक भीष्म पितामह है नेचुरोपैथी के पूरे हरियाणा के, और आयुष डिपार्टमेंट ने उन्हें बालकोबा भावे अवार्ड से सम्मानित हैं। और फिर उसके बाद मुझे लगा कि इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड के अंदर कोई एक ऐसा आसन चूज किया जाए जिसमें लेडीज सोचती हों कि शायद ये आसन तो हम कर ही नहीं पाएंगे। तो मैंने पद्म बकासन में 2.5 मिनट का होल्ड किया। तो आज मैसेज हर औरत के लिए मेरा यही है कि नारी घर की डॉक्टर, दवा बने आहार और किचन बने डिस्पेंसरी, तो स्वस्थ बने परिवार। और मैंने अपने जीवन को उसके लिए तैयार किया, उस अचीवमेंट को प्राप्त किया, और उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा, मैं कहती हूँ इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड ने हमें दिया है, इसके लिए थैंक यू सो मच। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू सो मच पूरी टीम का, इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया, इतना सम्मान दिया, थैंक यू सो मच। अभी मेरे साथ IBR रिकॉर्ड होल्डर्स में से एक और रिकॉर्ड होल्डर मौजूद हैं, मेरे साथ हैं विजाता आर्या जी। मैम वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। क्या आपके बारे में और आपके रिकॉर्ड के बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है मुझे? तो हम कहते हैं ये तो औरत हैं, ये तो कमज़ोर होंगी, लेकिन आप हाथों के बल पे 2.5 मिनट पद्म बकासन का जो मैंने रिकॉर्ड बनाया है वो अपने आप में एक औरत के लिए शक्ति का प्रतीक है कि उसके ना तो हाथ कमज़ोर हैं, ना उसकी गर्दन कमज़ोर है, और ना वो मानसिक रूप से कमज़ोर होती है। तो यही प्रूफ करने के लिए, यही दिखाने के लिए इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में मैंने ये रिकॉर्ड बनाया था। बाकी औरतें काफ़ी मजबूत हैं हर क्षेत्र के अंदर, हर फील्ड के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से जब हम बात करते हैं तो यही आता है कि औरतें फिजिकली वीक होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप 1 घंटे अपने लिए निकाल लें तो आप प्रत्येक कार्य कर सकते हैं। आप कंसीविंग के टाइम से लेकर के 80-90-100 साल तक भी पूरी तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। ओके जुल्फीना, आई विल कॉल जुल्फीना ऑन द स्टेज। कांग्रेचुलेशंस जुल्फीना। IBR IBR is well known for building the country's foundation. It helps others find their own passion. It is the future and guides others' heart to help to follow their own body and path. It allows everyone to participate from north to south, east to west. Standing here in IBR's platform, I feel blessed. It is the backbone of our passion and career. It helps us to freely love without barriers. Thank you. Thank you so much, Zulfina. We have our new record holder of IBR, Zulfina. So, Zulfina, tell us about yourself or about your records. Yes, my record was about a young poet who writes poems and wrote about the environment. So that. Okay, how old are you? I am 11 years old and 8 months. And as a child, why you want to be a poet? I didn't really start being a poet, like I knew it before, from before. But I wrote it on a rainy day, boring day, a poem, and that's how my parents came to know, like they recognized my talent. So that is how I started writing more poems. I got encouraged by them. I expressed my gratitude to them for it. Okay, finally I would like to call upon stage Mr. Rajesh Kumar ji. Please, Rajesh ji, all yours. आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजेश कुमार दहली के गांव दल्लूपरा से मैं हूं, और मैंने एक रिकॉर्ड बनाया है, वो चित्रकारी में है। गणेशा के पोर्ट्रेट बनाए हैं 719, जो डिफरेंट 150 मटेरियल यूज़ करके बनाए हैं। तो कई सारे प्लेटफॉर्म सर्च किए, उनमें से इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड जहां मैं आज हूं, इसके लिए मैं थैंक्स बोलना चाहता हूं पूरा
इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की टीम को, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा है कि जो टैलेंट हमारे भारत में छोटे बच्चे से लेकर के और एक 100 साल के बुजुर्ग तक अलग अलग फील्ड में रिकॉर्ड बना सकते हैं, एक ऐसा विशाल प्लेटफॉर्म इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने भारत को दिया है। क्योंकि जो मेरा ये रिकॉर्ड बना, रिकॉर्ड बनते हैं और जब वो एक्सपोज होते हैं, उनको प्लेटफॉर्म मिलता है, तो बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने टैलेंट को अपने भीतर छिपाए बैठे रहते हैं, क्योंकि उन्हें रास्ता नहीं दिखता कि मुझे किधर जाना है। लेकिन भावना देखिए, ये मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का जो ये कार्यक्रम था, जो प्लेटफॉर्म था, उसने ये 5 साल के बच्चे के दिल में एक रिकॉर्ड बनाने का जज्बा कायम किया। ये ईश्वरीय कार्य है कि जो अंदर छिपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालता है। आप वही काम करते हैं कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड उस टैलेंट को उसके भीतर से बाहर निकालने का काम कर रहा है। मैं इसके लिए डॉक्टर विश्वराय चौधरी को मन से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये मोटिवेशन कहाँ से आया कि आपको ये चीज़ बनानी चाहिए, गणेशा के पोर्ट्रेट्स तैयार करनी चाहिए? मैं एक्चुअली 81 से स्केच बनाता था, और स्केच बनाते हुए मैंने लगभग 400 स्केच बनाए। तो 2005 में एक एग्जीबिशन लगाई मैंने, जिसमें उस वक्त के हमारे CM स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा जी थे, उन्होंने इनॉग्रेशन किया। तो उस वक्त उन्होंने मुझसे कहा था कि गणेशा पर ही आप काम करो तो एक दिन रिकॉर्ड बना जाएंगे। इसके पीछे मतलब कारण ये भी था कि आप अपने टैलेंट को भी उभारना चाहते थे, एक पोर्ट्रेट आप पहले से ही बनाते थे, स्केचेस वगैरह? हाँ, ये एक्चुअली मैंने कहीं से इसकी विधिवत शिक्षा नहीं ली, मेरा शौक था, और उस शौक में मैं ये गणेशा बनाता रहता था। लेकिन मुझे जो ज़्यादा वक्त मिला, मैं कोविड पॉजिटिव हो गया था, तो उस वक्त को मैंने गणेशा के पोर्ट्रेट बनाने पर दिया, और वो बनते बनते एक रिकॉर्ड तक पहुंच गया कोविड के बाद में। डॉक्टर नितिन टोपे जी, वेलकम सर। सो दिस इज फॉर। सो गुड आफ्टरनून टू ऑल डिग्निटरीज हियर। आई एम डॉक्टर नितिन फ्रॉम महाराष्ट्र रीजन, पुणे सिटी। आई एम द फाउंडर ऑफ FSC, दैट इज फर्स्ट स्टेप टू करियर वेंचर इन पुणे। The good part of this platform that we have developed, FSC has developed, can be utilized by various TMIT consultants as well as various career consultant in India, so that they can use this platform to improve their scalability as well as improve their accuracy of the career planning. थोड़ा सा अपने रिकॉर्ड के बारे में बताइए। या ये जो रिकॉर्ड है, बेसिकली इंडिया में साइकोमेट्रिक टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट और बायोमेट्रिक टेस्ट होता है करियर प्लानिंग के लिए। करियर प्लानिंग करने के लिए ये अच्छा, ये टेस्ट पर्सनालिटी, ब्रेन पर्सनालिटी अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ही अच्छे है, परंतु एग्जैक्टली ब्रेन पर्सनालिटी के साथ करंट बिजनेस सिनेरियो, करंट बिजनेस स्किल मैच करने के लिए देर आर सर्टन लैक्यून है। आई पर्सनली सीन दिस व्हेन आई वाज डूइंग द प्लानिंग फॉर माय डॉटर। आई एम टॉकिंग अबाउट 2016। सो लेट्स होप कि हमें ये जल्दी ही कुछ मिलेगा नया। यस ऑफ कोर्स, या दिस इज माय फर्स्ट रिकॉर्ड, बट डेफिनेटली इन द नेक्स्ट ईयर वी आर कमिंग विद अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म, AI बेस्ड प्लेटफॉर्म, एंड डेफिनेटली वी विल कम अगेन टू IBR टीम एंड विल एस्टैब्लिश अ न्यू रिकॉर्ड। ऑफ कोर्स, congratulations. Thank you so much. So all yours, you have to speak some words about India Book of Records. Hey, good afternoon everyone. Good afternoon IBR team, and good afternoon honorable guest. And regarding this record, I have driven 2154 kilometers in a single day. Not even a single day, it is 23 hours. In that time I have driven that. I was not a good child always, but she used to trust me every time. So I give my sincere thanks, my heartfelt wishes for her good health and good fortune always. And also I respect IBR team for this privilege, because as a human being, what we need is recognition. So with recognition, everything else follows. And so thank you for giving wonderful record to me. Yeah. Yes. Thanks, for the first platform. I sincerely thank IBR team as well. Thank you so much. How happy you are after getting the record? No, ma'am, I cannot describe it in words. I am very much happy because.
this is one of the bigger stages. I have an opportunity to stand up. So I am very much happy. Okay. So थोड़ा सा आपने रिकॉर्ड के बारे में बताइए. मेरा रिकॉर्ड जो है एक दिन में 24 घंटे में कितना किलोमीटर चला सकता है. इट इज़ बेसिकली फॉर द एंड्योरेंस, नॉट फॉर फास्ट ड्राइविंग. सो एंड्योरेंस ड्राइविंग का टास्क लिया हमने, बिकॉज आई हैव बीन प्लानिंग दिस फॉर मोर देन 3 or 4 years. सो ये जब प्लान हुआ तो बाइक में प्लान कर रहा था, फिर कार में ट्राई किया टू डिस्क्राइब माई ड्राइविंग स्किल्स एंड टू शो माई डिटर्मिनेशन. दैट वॉज वाई ओरिजिनल इंटेंशन. बट बाद में इसमें बहुत सारा कॉसेस के लिए आई वॉन्ट टू डेडिकेट, बिकॉज विदाउट एन एम्पावरिंग फैमिली एंड स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट विद इन द फैमिली, वो विश्वास नहीं होता तो होता ही नहीं था. क्योंकि फिनेंशियल रिकॉर्ड्स इजीली नहीं बनता. कुछ रिकॉर्ड्स है फिनेंशियल सपोर्ट भी जरूरत पड़ता है, कुछ रिकॉर्ड्स का इमोशनल, मेरा तो सब इंक्लूडेड है. Okay, I'll call Dr. Ranjit Dasji to please come up on stage. He got the recognition for maximum educational degrees. He is from Howrah, West Bengal. Congratulations, sir. Good afternoon, everybody. Myself, Dr. Ranjit Das, coming from Bagnan, Howrah, West Bengal, Kolkata. I am very proud to be attend in this convocation, the first convocation of the IBR. And I have to travel about 1500 kilometers to attend this elegant convocation. I'm very thankful to IVR because IVR is the platform which made me famous. Overnight, I became very popular in my West Bengal, in my state. The print media, the digital media, even the Akashvani Kolkata has given the news to all that I have done the record from IBS. And this is a great achievement, I think. And I'm very, very grateful to IBS. They have recognized my qualifications, my educational degrees, and my hard work, talents, etc. Welcome, Dr. Ranjit. Thanks so much for coming here. Yes. Sir, please हमें ये कुछ बताएं. What record have you got? And I have done maximum education degrees achieved by an individual. That's great. And it is this record is IVR and also Asia Book of Records. Okay. I have done 23 educational degrees. That's great. And 16 postgraduate degrees, okay, including 13 master degrees, one MPhil, PhD, and also other degrees. Total 25 degrees I have done. So, what result have you got after getting the IBR record? The first result, I have got the recognition, appreciation from IBR. Right. It is the first recognition, and I also became very popular. Mm-hmm. And in my state, everybody became wonders, and this person has done all such degrees. Right. And I am also still learning, and I am also simultaneously doing 2 master degrees. Okay. Corporate social responsibility and also urban studies from IGNU. Okay. So I think age is not the restriction. Not at all. Just motivation. Of course. If you are motivated and you will do everything. Right. Now I would like to call upon stage Dimple Roy. She authored a book titled Beyond You. So I have authored this book. The title of the book is Beyond You. It's your story. So as I already have told you that the name itself says that is beyond your capacity. I have included so many, not so many, actually I guess it is 15 chapters are here. And at the beginning of the book, I have given my own written quote. Okay, so it is, everyone has their past, but the good news is it is not going to appear again. So let me tell you people that yes, we all have our past, but the good news is that it is not going to appear again. So whatever the challenges were, what you are facing right now, so make sure that you are doing your best and never let it come to your life. You know, make yourself sure that you want to achieve something, then this becomes easier for you to really achieve this in your real life.
because the universe is something which is, you know, which is not limited, which has no limit. This is beyond our imagination. So let the universe stay with you, stay positive, and you can achieve anything. 18 pages, between 18 to 20 pages, and 15 chapters are there. So I think this will be very easy for all of you to write, to read this book. Thank you so much. Thank you so much, Dimple. Hello, Dimple ji. Hello, ma'am. कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? आई एम फीलिंग वेरी ग्रेट हियर. लाइक इट्स अ प्लेटफॉर्म वेयर वी ऑल पीपल हैव गॉट द चांस टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स. ऑफ कोर्स डिंपल जी, जस्ट टेल अस व्हाट रिकॉर्ड हैव यू मेड एंड हाउ वर यू वर इंस्पायर्ड. ओके, सो आई हैव रिसीव्ड द एप्रिसिएशन फ्रॉम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर बीइंग द फर्स्ट इंडियन to write the shortest life-changing book. तो आपको ये रिकॉर्ड बना के कैसा लगा? मैम, एक तो मुझे बहुत अच्छा लगा है रिकॉर्ड बना के. सेकेंड थिंग मैम, वॉट आई फील इज nowadays जो हमारे लाइक बींग द प्रोफेसर, राइट, मैं आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर. वॉट आई फील कि हमारे बच्चों को ये जो राइटिंग की हैबिट है ये होना चाहिए. बिकॉज बच्चे आजकल क्या करते हैं, उनमें हैबिट तो होती है बट दे डोंट गेट द प्लेटफॉर्म. उनको लिखना कहाँ पर है, राइट? कुछ ऐसे कंटेंट राइटर्स होते हैं जो लाइक आर्टिकल्स लिखते हैं, ब्लॉग लिखते हैं, बट दे आर ओनली लिमिटेड टू वेबसाइट्स. अपने एक वेबसाइट खोल लेंगे, बट आजकल के मैम जो बच्चे होते हैं वो मैक्सिमम क्या करते हैं, स्कूल लेवल के हो या कॉलेज लेवल के हो या तो यूनिवर्सिटी लेवल के, वो बच्चे क्या करते हैं कि या तो PDF से पढ़ लेंगे या तो कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ले लेंगे, एंड उन लोगों की जो ये नॉलेज वो लिमिटेड हो चुके हैं. बट वेन वी वेर किड्स, हम लोग क्या करते थे, लाइब्रेरी जाते थे, हम दुकान में जाते थे, बुक्स खरीदते थे, एंड यू नो द स्मेल ऑफ द बुक्स, यू नो, हाँ, न्यू बुक्स का जो एक फ्रेग्रेंस होता है, दैट इज समथिंग अमेजिंग. या एंड नो वन कैन बीट दैट, राइट? तो मेरा ये मानना है कि आप भले ही इंटरनेट जितना भी यूज करें, आपको थोड़ा सा फिजिकल फॉर्मेट में जो बुक्स आते हैं वो भी पढ़ना चाहिए. दैट्स व्हाई मैम मैंने सोचा कि एक बुक ही क्यों ना लिख ले. मुझे लगता है कि जो टच हमें बुक को टच करके मिलता है वो हमें इलेक्ट्रॉनिक उसमें नहीं मिलता. और काशीनाथ, यू वांट टू हैव सम पोएम? और जुल्फीना ऑलरेडी सेड, सो इफ एनीबॉडी वांट्स. ओके ओके, थैंक यू इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स. You know, prime ministers and capitals of all states. Okay. And IQ level is testing for first time. Okay. Then I can understand something special. So I check my son IQ and take some videos and identify some pictures and also I will send all videos to IBR. Okay. Then go there. How old is he? He is only 5 years. Only 5 years. Yes. I will start to two and a half years to check to high exactly. level. Okay. Then told you Prime Ministers of India told you. Prime Ministers of India. Have a Guru Husailanananda. Have a Guru Satri Husailanananda. Neera Gandhi, Rajay Desai, Chada Singh, Neera Gandhi, Rajiv Gandhi, Vishwanath Para Singh, Chandrasekhar, P. Vendadav, Adal Bigari Vajapai, Chidi Vegauda, Aki Karadar, Adal Bigari Vajapai, Manmohan Singh, Narendra Modi. Wow! That's really great. Thank you. Thank you. The cutest boy, Arav. So Arav is going to give the speech, or I'd like to call the mother to please come on the stage and have some few words with her, if she wants. Hi, my name is Arav Sameer Savla, and I have done, I'm a certified scuba diver. So when I was young, I used to see my father go for scuba diving, and I used to wait for him on the boat. हेलो आरव. हेलो. आपने कौन सा रिकॉर्ड बनाया है? सर्टिफाइड स्कूबा डाइवर. अच्छा, कुछ एक्सप्लेन करेंगे इसको? मीनिंग लाइक आई एम वन ऑफ द यंगेस्ट स्कूबा डाइवर. हाँ.
What is the main part did you enjoy doing the diving? I'm diving with my father. Okay. Tell us something about your experience when you dive into the sea. So, what do you feel? I feel very calm and relaxed. I feel like there's like no weight. I get to do whatever I want. I feel like weightless. So like if you go into space, you would feel like weightless and you could do backflips and all. Yeah. The same way you feel when you dive into the sea. Yeah. Okay. How old are you? I'm 10 years old. That's nice. So very soon we'll get another record from yourself. Yeah. Thank you, Arav. Welcome. Now I'll call upon stage Mr. Karthik Radhakrishnan. He is a director, film director of Nanmadi Films from Pudukottai, Tamil Nadu. Congratulations, sir. எல்லாருக்கும் வணக்கம். என் பேர் கார்த்திக் ராதாகிருஷ்ணன், கம்மிங் ஃப்ரம் சென்னை. நாங்கள் வந்து எங்கள் டீம் மெம்பர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து சிங்கிள் ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணியிருக்கோம். சிங்கிள் ஷார்ட் ஒன் ஆஃப் ஃபியூச்சர் ஃபிலிம் பண்ணியிருக்கோம் சிங்கிள் கேரக்டர் வச்சு. तो हमारे साथ अभी एक और यहाँ पर IBR रिकॉर्ड होल्डर मौजूद हैं जिनका नाम है कार्तिक राधाकृष्णन जी. एक्चुअली यहाँ पर एक चीज़ हो सकती है, वो ये कि आपको जो चीज़ें सुनने के लिए मिलेंगी, जो जवाब सुनने के लिए मिलेगा, वो उनके गेस्ट से मिलेगा, क्योंकि उनकी थोड़ी सी हिंदी कमज़ोर है. लेकिन फिर भी हम आपके लिए कुछ तो एफर्ट कर ही सकते हैं. आप दोनों का बहुत स्वागत है. सबसे पहले वेलकम सर. Can you tell us about yourself and about your records? अपने बारे में और अपने रिकॉर्ड के बारे में कुछ जानकारी दी. என்னோட பேர் வந்து கார்த்திக் ராதாகிருஷ்ணன், கம்மிங் ஃப்ரம் சென்னை. நான் வந்து சிங்கிள் ஷாட்டில் ஒரு சிங்கிள் கேரக்டர் வச்சு ஒரு ஃபியூச்சர் ஃபிலிம் பண்ணியிருக்கோம். What is it? First of all, his name, director name Karthi. I'm executive producer in the film. First of all, thanks to IBR, this giving to award and all. This is traveling, this location, the movie we will be start that within 3 years between the short duration. Every day, you can, after 6 months, you can go to regularly, go to one practice and every one, morning one rehearsals and afternoon rehearsals. Finally, you made the film in 175 minutes. So, sir, what type of changes you experienced in your life? What type of changes you face or you experience in your life? Life. நான் பேசிக்காக வந்து வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிது உங்களுக்கு, என்ன அவார்டு கிடச்சது அப்புறம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இந்த அவார்டு கிடச்சதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்ரிஷியேட் பண்ணுறாங்க. ப்ளஸ் வந்து இது மூலமாக ஃபர்தராக ஃப்யூச்சரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்தடுத்த நெக்ஸ்ட்டு படங்கள் வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கிடைக்கும். ப்ளஸ் அது மூலமாக வந்து நல்ல நல்ல கதைகளை வந்து படமாக கொடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணியிருக்கேன். Okay. They are appreciating all of family members and industry members and all. Okay. After he gave many more options, many more opportunities came now. On the days he can go in the good movies and all. That's why. Okay. Are you going to make more movies like this? இதே மாதிரி நிறைய பண்ணுறீங்களே. ஆ, இதே மாதிரி. ஆனால் நாட் அ சிங்கிள் ஷாட். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கமர்ஷியல் அண்ட் ஹாட் ஃபார்ம் ஆஃப் மூவிஸ் வந்து நாங்கள் பண்ணலான்ட்டு Thank you so much, both of you. Thank you. Thank you.